Hello students, today we will start the second chapter of English Beehive, The Sound of Music, written by Deborah Cole. So students, ये जो chapter है इस tutorial part में, इसको हमने दो parts में ये chapter है और first part में हम Evelyn Glennie के बारे में पढ़ेंगे जो कि Scottish हैं और अभी UK based हैं. उनका जो इंस्ट्रूमेंट है ड्रम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं जिसे परक्यूशनिस्ट कहा गया है. इवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि बिना सुने वो म्यूजिक को सुनती हैं, महसूस करती हैं. उनके बारे में फेमस है, वो खुद भी कहती हैं कि बचपन में ही उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो चली गई थी एंड शी बिकेम डेफ, और वो बहरी हो गई थी. तो म्यूजिक की बीट्स को की वाइब्रेशन से वो संगीत को फील करती थी. तो ये उनके बारे में है. और इसी कमी के, यानी कि कितनी बड़ी कमी थी कि वो डेफ थी और म्यूजिक की ही लाइन में उन्होंने अपने को सक्सेसफुल किया और उन्होंने इसे एज अ चैलेंज माना कि मैं यदि बहरी हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं दिखाऊंगी दुनिया को कि यदि मैं सेल्फ डिटर्मिनेशन हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ और यदि मैंने कुछ करने की ठानी है तो मैं पूरे वर्ल्ड में अपने को सक्सेस करके दिखाऊंगी. यही एवलिन की स्टोरी है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टैंजा. रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म जो था वो अंडरग्राउंड था और वहां पर बहुत भीड़ थी और लोग अपनी अपनी जगह फिक्स करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस. और एक स्लाइट वैसे हल्का होता है पर यहाँ पर एक पतली छरहरी लड़की जो कि 17 इयर्स की थी बहुत नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी कि शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, कि जो ट्रेन आ रही है उसके लिए वो एक्साइटेड थी कि जो ट्रेन नर्वस थी कि उसका ऑडिशन था और एक्साइटेड थी कि जो ट्रेन आ रही है वो उसकी वाइब्रेशंस को फील कर रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो एक वहाँ की बहुत ही सम्मानित संगीत अकेडमी थी उसमें उसका पहला दिन था जो लंदन में थी, जो कि 1822 में लंदन में स्टैब्लिश हुई थी. ठीक है. म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. और यहाँ पर क्या है, जो स्कॉटिश फार्म है यानी कि उसका रॉयल अकेडमी में पहला दिन था और स्कॉटलैंड के किसी भी फॉर्म पे किसी भी टीनेजर के लिए डराने वाला अवसर था. कोई भी हो, अगर एज कम है या एज ज्यादा भी होती है और फर्स्ट टाइम वो कहीं ऑडिशन दे रहे हैं, इंटरव्यू देने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके लिए डराने वाला अवसर होता है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन क्या था ये, पर जो उसकी म्यूजिशियन बनने की जो उसकी इच्छा थी लड़की की वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी और इसीलिए उसने अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं एक बहुत बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत बड़े चैलेंज का सामना किया कि मैं डेफ हूँ लेकिन मैं म्यूजिशियन बनकर दिखाऊंगी. सेकेंड स्टेंजा. इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो इवलिन ग्लेनी की सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, एक साथ नहीं बहुत धीरे धीरे कम हुई. हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग, उसकी माँ याद करती है और उन्होंने गौर किया, नोटिस किया कि समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उन्होंने ये नोटिस किया कि जब वो 8 साल की थी इवलिन ग्लेनी और वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, तो दे कॉल्ड हर नेम, तो उन लोगों ने इनका इसका नाम पुकारा एंड शी डिडंट मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं हिली. इसका मतलब क्या था कि वो सुन नहीं पा रही थी. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड डिडंट हियर्ड, और तभी अचानक मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि उसने सुना नहीं. सेज इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी उनकी माँ हैं, वो कहती हैं फॉर क्वाइट अ वाइल इवली मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. और तभी क्या हो रहा था कि इस जब मुझे पता चला और इवलिन बहुत दिनों तक अपनी इस कमी को, अपनी डेफनेस को अपने फ्रेंड से और अपने टीचर्स से छुपाती रही. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. लेकिन अब वो 11 साल की हो गई थी. डिट्रियोरेटेड कहते हैं खराब होना, बहुत
खराब मार्क्स उसके आए और जो मिस हेड मिस्ट्रेस थी यानी हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस यहाँ पर जेंडर है फीमेल जेंडर, जो प्रधान अध्यापिका थी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने प्रेरित किया अर्ज उसके पेरेंट्स को बताया कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजुअल नर्व डैमेज। और ये पता चला डॉक्टर को दिखाने के बाद कि जो उनकी हियरिंग है, जो उनकी सुनने की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ख़त्म हो गई है। और एज अ रिजल्ट किस चीज़ का कारण रहा है कि जो उनकी नर्व हैं वो डैमेज हो गई हैं, इस वजह से उनकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई है। दे वर एडवाइज दैट दे शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। और उन डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया, सलाह दी कि इनको हियरिंग एड्स यानी कि जो कानों में मशीन होती है सुनने वाली, वो लगाई जाए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और जो बहरों के लिए जो अलग स्कूल होते हैं गूंगे बहरों के लिए, वहाँ पर इसको एडमिशन दिलाया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। और ये सुनते ही सब कुछ अचानक एक अंधेरा नजर आने लगा उनको कि ये सब क्या हो गया, क्या उसका सपना था, वो क्या करना चाहती है, और इस तरह से अंधकार ही अंधकार उनको दिखाई देने लगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।